सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिए जो सब्सक्राइब बटन और जो बेल आइकन बटन, उसका इंट्रो कैसे बनाएंगे। एंड साथ में हम बताएंगे कि विदाउट वाटर मार्क उस वीडियो को कैसे डाउनलोड करोगे और उस वीडियो को कैसे बनाओगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं उस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब पेज पे जाके यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना है, जैसे कि देन आपको बोलना है कि सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को एंड बेल आइकन करें, जैसे कि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है। देन ऐसे आपको भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, वीडियो कैसे बनाना है, आपके चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में काइन मास्टर इंस्टॉल कर लेना होगा। अब इसी काइन मास्टर के जरिए आप विदाउट वाटरमार्क वीडियो डाउनलोड कर पाओगे, विदाउट वाटरमार्क वीडियो बना पाओगे। तो जो प्ले स्टोर में जो काइन मास्टर मिलता है, उससे अगर आप वीडियो बनाओगे तो उससे तो वाटरमार्क आएगा ही आएगा। तो सिंपली ये काइन मास्टर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, जबकि वीडियो बनाते टाइम वाटरमार्क ना आए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की, जो आपको सब्सक्राइब बटन का इंट्रो कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे आपको ये वाला चूज करना होगा, सिंपली इसे चूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे एक हमारा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मीडिया लेयर वॉइस ऑडियो का जो फंक्शन दिख रहा है, इसी से आपको अपना वीडियो का पूरा एडिट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी ले लिया और एक मोबाइल फ्रेम भी यहाँ पे लगा लिया। तो सिंपली आपको भी फ्रेम, एक मोबाइल फ्रेम डाउनलोड करके ऐसे लगा लेना है किसी बैकग्राउंड के ऊपर, ऐसे लगा लेना है। देन इसे मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, तो इसके ऊपर टैप करके आपको इसे खींचना होगा, देन ये लंबा हो जाएगा। तो सिंपली इसे आप ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड रख लीजिए। तो सिंपली मैं इसे बाद में काट दूँगा, तो आपको भी ऐसा करना होगा। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से ये जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उसी लेयर पे टिप करके यहाँ पे मीडिया पे जाना होगा। देन जहाँ पे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, वो वहाँ पे जाके आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लाना होगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर लिया, तो सिंपली मैं इसे मोबाइल के साइज़ में कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा अच्छा तरीके से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सिंपली आपको समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको भी ऐसे अच्छी तरीके से इसे बैठाना होगा, सिंपली जैसे बैठाओगे तो मैं इसे एडिट करता हूँ। देन जहाँ से आपने बोलना स्टार्ट किया कि सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको ये क्रॉस जो ये क्रॉस दिख रहा है जो लाल रंग का, वहाँ पर आपको ले जाना है। तो देन मैं वहाँ पे ले आता हूँ, देन इसे थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ से बोला है, थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे फिक्स कर लेना है। देन मैंने यहाँ पे बोला है, तो आपको भी आपके वॉइस के अनुसार वहाँ से कट कर लेना। सिंपली इस पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको कैची का ऑप्शन आएगा, कैची पे टैप करोगे तो सिंपली ये जो लास्ट में ऑप्शन आएगा, इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आपको इस वाले साइड ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साइड वाले ऑप्शन से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये डिलीट का ऑप्शन, तो यहाँ पर टैप करोगे तो ये डिलीट हो गया। तो सिंपली आपको इसे लॉन्ग प्रेस, सिंपली ये वाले जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे लॉन्ग प्रेस करके आपको यहाँ पर खींच लेना है। देन बराबर कर देना दोनों को, फिर हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे वॉइस स्टार्टिंग हो गया, तो उसके अनुसार मुझे अभी यहाँ पे एक आइकन लगाना होगा। तो मैं
अभी लगा था वो, आपको भी ऐसे लगाना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे सब्सक्राइब स्टार्टिंग हो गया बोल करना, तो उससे कुछ पहले यहाँ पे रोक के, फिर यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाके, फिर यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके, फिर यहाँ आपको आपके स्टिकर लगाना होगा। तो सिंपली मैं एक स्टिकर ले लेता हूँ। सिंपली आपको मूजी वाला, ये मूजी में आके, ये जो आपको ये जो आपका आइकन दिख रहा है स्टिकर, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके सब्सक्राइब के ऊपर लगा देना है। तो सिंपली मैं इसे लगा लेता हूँ, तो देन यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखते, मैंने इसे लगा लिया, तो आप आपको यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो सिंपली ये जो सेकंड ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपली इस पर क्लिक करके सीधा नीचे आना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये जो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टैप कर देना होगा। तो जैसे ही टैप करोगे तो आपका ये जो हाथ वाला स्टिकर है, तो सिंपली ये ऐसे चलने लगेगा। तो देन मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। तो मैं थोड़ा प्ले करता हूँ यहाँ से। तो आप देखिए, तो वो सब्सक्राइब करने के लिए आ गया। देन जब बेल आइकन आएगा, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से आप इसके ऊपर प्रेस करके इसे थोड़ा यहाँ से खींच के छोटा कर लोगे। तो मैं थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ। देन अब बेल आइकन का मैं सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देन लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे, तो आपको ये वाला घंटा चूज कर लेना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से घंटा चूज करके ओके क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे ये साइड में इसे रख लेता हूँ मैं। आपको भी ऐसे करना होगा, आपको आप अगर स्क्रीन के अंदर रखना चाहते हो तो स्क्रीन के अंदर रख लेना। देन मैं बाहर रख लेता हूँ। देन इसे भी ओवरऑल पे जाके आपको वो वाला ही सिलेक्ट कर लेना होगा। देन ऐसे अब आपको रिव्यू करके दिखा लेता हूँ तो कि कैसा दिखता है। तो प्ले हो गया हमारा ये। तो आप देख सकते हो कि ये हो रहा है कुछ। तो सिंपली मुझे थोड़ा सा इसे आगे करना होगा। देन इसे आगे कर लिया। देन फिर से रिव्यू करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा अच्छा तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको रिव्यू करना करके दिखाऊंगा। वैसे भी आपको थोड़ा टाइम देके इसको अच्छे तरीके से सेट करना होगा। अब मैं आपको बेल आइकन वाला रिव्यू पे ले चलता हूँ। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट में जाके फिर से वही वाला चूज़ करना होगा जो कि हाथ का आइकन था। तो सिंपली मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। देन इसे आपको यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। तो सिंपली मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे छोटा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको एंड इसे आपको बेल आइकन के ऊपर लगा लेना है थोड़ा सा छोटा करके। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आप सही से कर लेना। तो इसे भी आप ओवरऑल पे जाके इसे भी आप यहाँ पे इसे भी वो सिलेक्ट कर लेना। एंड मैं थोड़ा रिव्यू करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, तो ये सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। एंड थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो सिंपली हमें जो बेल आइकन वाला
टेक्स्ट है उस पर जाके सिंपली इसका वो चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ओवरऑल पे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा जैसा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, आपके अनुसार सही कर लेना। तो अब फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूँ, तो अब देखते हैं कैसा दिखता है हमारा इंट्रो। तो ये हो गया, तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, तो ये देख, तो बेल आइकन हो गया। तो आप देख, तो इसे एकदम सिंपली तरीके से हो गया। तो सिंपली आप यहाँ पे आके अपना बैकग्राउंड को कट कर लेना जितना कि हो गया। तो इसे यहाँ पे जाके कॉपी करके कैची पे जाके यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में आके जो जो नहीं चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इसे डिलीट कर देना है। देन इसको भी कैप करके इसे डिलीट कर देना है। तो देखते हैं ये कट गया, तो अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ फिर से। देन प्ले हो रहा है, तो ये सब्सक्राइब हो गया हमारा, देन ये बेल आइकन भी हो गया। तो आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से ये वीडियो बन चुका है हमारा, एकदम इंट्रो वाला एकदम मस्त हो गया। तो आप भी यहाँ से एकदम इजीली इंट्रो बना पाओगे। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कोने में आइकन दिख रहा है, एक मिनट, ये जो कोने में आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा। देन अगर आप यहाँ से वॉइस भी लगा पाओगे, यहाँ से वॉइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अगर रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे यहाँ से, अगर आपका बैकग्राउंड म्यूजिक अगर कुछ वॉइस में डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल पाओगे। एंड यहाँ पे अगर अपना बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डालना चाहते हो तो सिंपली ऑडियो पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख लो गाना आ गया, तो सिंपली आप यहाँ से म्यूजिक भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोने में ये आइकन पे टैप कर देना है। देन जैसे टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको जो वीडियो ये पहले में शो करता है, तो सिंपली मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपका वीडियो ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो आपका वीडियो कुछ ऐसा आएगा। तो सिंपली आप आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके ये शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन जैसे शेयर करोगे तो आपके सामने ये साइज का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे HD भी कर सकते हो और यहाँ पे अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो कि आपका वीडियो कितने MB का हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा वीडियो ये 33 MB का हो गया Full HD, जो कि Full HD एकदम हाई क्वालिटी। आप हाई जितना करोगे तो आप देखते हैं यहाँ पे MB भी बढ़ गया मेरा। तो आप हाई करके ही इसे सेव कर लेना एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो ये सेव होने लगेगा। तो मैं वीडियो को ओपन करता हूँ एंड देखिए कि वीडियो कैसा बना हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम मस्त हो गया, ना कोई वाटरमार्क आया, ना कोई एकदम कुछ नहीं आया। देन आपको बताता हूँ कि वो आपको काइनमास्टर कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। जैसे क्रोम ब्राउज़र में जाओगे तो एक मिनट थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा AC Market MA। तो यहाँ पे AC Market लिख के आप सर्च कर दोगे। सो जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो इस ऐप के अंदर आपको जाना होगा। देन इस ऐप को ओपन करके आपको इसमें सर्च करना होगा कि काइनमास्टर, आप यहां से डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। और यहां से अगर डाउनलोड करोगे तो आपको वाटरमार्क नहीं आएगा, और जो प्ले स्टोर में जो ऐप जो एप्लीकेशन और जो भी चीज़ बाय करने को आता है सिंपली इस ऐप के अंदर आपको वो फ्री में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, मुझे तो अच्छा लगा इस एप्लीकेशन को। आप भी इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से आपको काइनमास्टर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ से आप सर्च में जाके काइनमास्टर लिख के, तो यहाँ पे काइनमास्टर आप सर्च जैसे ही करोगे तो आपके सामने काइनमास्टर शो करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना होगा काइनमास्टर को। देन यहाँ से आप यूज़ करो काइनमास्टर, तो आपको वाटरमार्क नहीं आएगा, एकदम फ्री वाटरमार्क, विदाउट वाटरमार्क आप वीडियो
डाउनलोड कर पाओगे। तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।